हेलो फ्रेंड्स, स्माइली फूड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है मसाला डोसा। डोसा कम तेल में बना हुआ प्रोटीन से भरपूर स्वादिष्ट खाना है। डोसा साउथ इंडियन रेसिपी है। तो चलिए हम बनाते हैं मसाला डोसा। डोसे का बैटर तैयार करने के लिए हमने खिचड़ी के चावल जो होते हैं वो लिया है 8 कप। उसमें मिलाई हमने उड़द की दाल 2 कप। तो हमने इसे पहले अच्छी तरह 3 से 4 पानी से धो लिया है और 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। 3 से 4 घंटे होने के बाद हमें इसे मिक्सर में बारीक पीस लेना है और 7 से 8 घंटे के लिए इसे रख देना है ताकि इसमें खमीर उतर जाए। तो 8 घंटे हो चुके हैं। देखिए डोसे के खीरे में अच्छी तरह से खमीर आ चुका है। तो हम इसका डोसा बनाएंगे। सांभर बनाने के लिए मैंने तुअर की दाल ली हूँ। तो ये साइज का कप है, ये नाप का मैंने 3 कप तुअर की दाल ली हूँ। सांभर में डालने के लिए मैंने सब्जियों में ली हूँ 5 से 6 छोटे साइज के टमाटर, 1 पोला ली हूँ छोटा टुकड़ा, 2 सरगवे की सींग ली हूँ, थोड़ा 1 टुकड़ा सूरन का ली हूँ और थोड़ा हरा धनिया। सांभर बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कुकर रख दिया है, उसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी। दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। दाल को हम कुकर में डाल देंगे और 5 मिनट तक इसे उबलने के लिए रख देंगे। पाँच मिनट तक हमें इसे इसी तरह रखना है। फिर हम इसमें सब सब्जियां काट कर डाल देंगे। दाल को मैंने 5 मिनट तक होने दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर को, बड़े साइज से काट लिया है मैंने, टमाटर डाल रही हूँ। पोला, सूरन, अब डाल रही हूँ सरगवे की सींगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। हल्दी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल मैंने 3 गिलास पानी लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर का ढकना 5 से 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो हम अब इसमें तड़का देंगे। तड़के के लिए मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ राई के दाने। मेथी के दाने, अक्खी लाल मिर्च 2, जीरा, कड़ी पत्ता, हींग, अब हम इसमें डालेंगे बॉईल की हुई दाल। तैयार सांभर मसाला 2 चम्मच। एक चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। सांभर को हमें थोड़ा पतला ही रखना है। देखिए सांभर में हमारा अच्छी तरह से जोश आ चुका है। अच्छी तरह से हमारी सब्जियां भी पक चुकी है। अब हमारा सांभर रेडी हो चुका है। अब हम डोसे के लिए आलू की स्टफिंग रेडी कर लेंगे। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए हमने आलू को बॉईल कर लिया है और उसे काट लिया है। प्याज को भी काट लिया है।
4-5 लहसुन की कलियां है और एक हरी मिर्ची को क्रश कर लिया है। हरा धनिया, मेथी के दानों को हमने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें अब हम डालेंगे राई। मेथी के दाने हींग प्याज प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च जिसे हमने क्रश कर लिया है। इसके साथ ही डालेंगे हम हल्दी। अब बॉईल किए हुए आलू, नमक स्वाद अनुसार, दो से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है। 3 मिनट हो चुके हैं तो हमारी स्टफिंग रेडी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और गैस को बंद कर दीजिए। दही की चटनी बनाने के लिए हमने घर का बना हुआ दही लिया है और उसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर और इसे मिक्सर में पीस लेंगे। दही की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम नारियल की चटनी बना लेते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए गीला नारियल, 1 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन की कलियां, हरा धनिया, पुदीना और थोड़ा नमक। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। नारियल की चटनी को मैंने मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर पीस लिया है। अब हम इस पर बघार करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे राई, करी पत्ता। अभी हम ये बघार नारियल की चटनी पर डालेंगे। लाल चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, लहसुन की कलियां 7 से 8, नमक स्वाद अनुसार और नींबू का रस। लाल मिर्च पाउडर, लहसुन की कलियां, नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम पीस लेते हैं, थोड़ा पानी डाल के इसमें पीस लें। तीखी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। डोसे का बैटर हमने तैयार कर लिया है, तो हम उसमें डालेंगे नमक और थोड़ा पानी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक पैन को हमने गरम कर लिया है। इस तरह हमने दिए हल्के आटे को इसे फैला देना है। थोड़ा तेल डाल रही हूँ मैं। जो बटाके की स्टफिंग तैयार की थी वो इस पर डाल दूंगी।
अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। डोसा हमारा तैयार हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं आपको दूसरा भी बनाकर बताती हूँ। गैस की आंच को हमें तेजी रखनी है। थोड़ा तेल डाल रही हूँ मैं। फिर इस पे बटाके की स्टफिंग डालेंगे। अब हम इसे भी पलट देंगे। हमारा मसाला डोसा बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इसे सांभर के साथ, दही की चटनी के साथ, लहसुन की लाल चटनी के साथ या नारियल की चटनी, आपको जो भी चटनी या सांभर अच्छा लगे आप इस पर डालकर खा सकते हो।